और जो गुड मॉर्निंग, यह मेरे हाथ में आप देख रहे हैं स्पेसिमेन, यह एगरिकस है। एगरिकस एक फंगस है, यह किंगडम फंजाई का ऑर्गेनिज्म है, बेसिलियोमाइसिटीज ग्रुप में रखा गया है। और यह नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल कहीं नहीं है। इसका सेलवाल काइटिन का बना होता है और यह सड़ी गली चीज़ों पर उगता है, जैसे कोई लकड़ी सड़ रही हो, कहीं गोबर कैटल डंग है सड़ रहा हो, बरसात के दिन में अक्सर ये उग जाते हैं और उन सड़ रही चीज़ों में से अपना न्यूट्रंस देते हैं। कैसे न्यूट्रंस देते हैं? इनके स्पोर्ट्स वहीं पर रहेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जब ये ग्रो होगा तो ये अपने शरीर से, अपने इस बॉटम हिस्से से एंजाइम सेक्रीट करते हैं और सेक्रीट करके वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, उनके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डाइजेस्ट करके उससे जो है न्यूट्रंस को एब्जर्व कर लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। तो हमें देख सकते हैं कि यह जो सेप्रोफिटिक फंगस है, यह किस तरह से अपना जीवन जीने के लिए अपने अंदर एडाप्टेशन लाता है, सड़ी गली चीज़ों पे उगता है, वहाँ पे एंजाइम सेक्रीट करके उनको और कैटाबोलाइज करके, डिकम्पोज करके, फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपना ग्रोथ करता है, वृद्धि विकास करता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था डेवलप करते हैं, ताकि वो जो सड़ी गली चीज़ें हैं जिसको कोई यूज नहीं करता, उसको भी डिकम्पोज करके, उसको भी कैटाबोलाइज करके, ब्रेक डाउन करके, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेकर के अपने आप को डेवलप कराते हैं, अपना ग्रोथ कराते हैं। फिर जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं, फिर इसमें बेसिलियो स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स फिर हवा में ऐसे बिखर गए जमीन में, और फिर जब बरसात का सीजन आएगा, फिर सड़ी गली चीज़ें वहाँ मिलेंगी, कैटल डंग मिलेगा, फिर से स्पोर्ट जर्मिनेट करके फिर ग्रो करके फिर ये जो है एगरिकस का पौधा बना रहता है। तो यह जो है सेप्रोफाइट फंगस प्लांट है। इस तरह से आजकल कुछ ऐसे भी मशरूम हैं जो अलग अलग उसकी वेराइटीज हैं, जैसे वाइट बटन मशरूम है, तो उनको तो उगाते हैं, उनको जो है उगा करके उनमें न्यूट्रिटी प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, विटामिन होते हैं, तो उनको खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह तो एग्रीकल्चर है, इसको नहीं यूज करते खाने के लिए। लेकिन जो वाइट बटन मशरूम है, आजकल बड़े पैमाने पे मशरूम कल्टीवेशन हो रहा है, उससे भी प्रोटीन लेते हैं लोग, लेकिन वो स्पेशल क्वालिटी का होता है, वो हानिकारक नहीं होता, और उसको उगाते हैं और उसको जो है यूज करते हैं। और ये तो ऐसे ही एग्रीकल्चर सड़ी गली चीज़ों पर उग जाते हैं, अपना खुराक लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी भी प्रजातियों के बारे में, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जो हम सिंपली सोचते हैं कि वो ऐसे सड़ी गली चीज़ों पे कैसे उग गए, क्या है। तो मैंने बताना चाहा कि ये एंजाइम से फीड करके, उसको डाइजेस्ट करके, डिकम्पोज करके, फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं। सो एग्रीकल्चर है। थैंक यू वेरी मच।